अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पनीर चिकन। तो देखिए हमारे पास ये 1 किलो चिकन है, हमने इसे अच्छे से वॉश कर रख दिए। और ये 2 मीडियम साइज़ की तली हुई प्याज है। और ये पनीर है, ये 150 ग्राम पनीर है। और इसे हमने तेल में गोल्डन कर लिए। और ये दही है, ये मीठा दही है, ज़्यादा खट्टा दही नहीं है। और इसमें हमने मलाई डाल दिए 2 टीस्पून। और ये गरम मसाला है 1 टीस्पून। और ये टमाटर है, ये हमने टमाटर और प्याज 1 मीडियम साइज़ की प्याज लिए। और हम मीडियम साइज़ के हमारे पास 6 टमाटे हैं, हमने इसे बॉईल कर इसकी स्किन निकाल दिए और प्याज को भी बॉईल कर दिए। तो हम सब में पहले ये टमाटे और ये हमने 5 हरी मिर्च भी लिए। ये टमाटे प्याज और हरी मिर्च का हम पेस्ट बना लेंगे। हमने देखिए प्याज और टमाटे हरी मिर्च और जो हमने प्याज तल कर रखे थे हमने वो भी टमाटर में ही डाल के पीस लिए। अब हम बघार की तरफ चलेंगे। हमने एक कढ़ाई ले लिए और इसमें हमने अपने हिसाब से तेल डाल दिए। और हम ये इसी तेल में हम सारा चिकन डाल देंगे। हमने गैस चालू कर दिए। हमने सारा चिकन डाल दिए। अब हम इसमें अपने हिसाब से नमक डाल देंगे और ये चिकन को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसका कलर चेंज होने तक के हम इसे पकाएंगे। ये चिकन का देखिए कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे। 2 टीस्पून हम अदरक लहसुन डालेंगे। 2 टीस्पून हम धनिया डालेंगे। 2 टीस्पून हम लाल मिर्च डालेंगे। हाफ टी स्पून हम हल्दी डालेंगे। और इसे हम अच्छा मिक्स कर लेंगे। देखिए चिकन में अच्छे से जो हमने सूखे मसाले डाले थे वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें दही और जो हमने ये टमाटर का पेस्ट बनाए प्याज टमाटे वो डाल देंगे हम। देखिए हमने ये टमाटे डाल दिए। अभी जो हमारे पास दही है तो हम ये दही भी डाल देंगे और इसे हम अच्छा मिक्स कर देंगे। देखिए सब मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसे मसाले भूनने तक और गोश गलने तक के इसे ढककर रख देंगे। इसे हम चेक करेंगे। देखिए मसाला और मसाला अच्छे से पक चुका है और चिकन भी देखिए गल चुका है। और ये मसालों से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। ये गरम मसाला डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम हरा धनिया भी डाल देंगे। हम ये हरा धनिया डाल देंगे। और ये हरा धनिया डालने के बाद इसे हम मिक्स कर हम इसमें पनीर डाल देंगे। देखिए हम ये पनीर डाल देंगे। अब हम ये पनीर डालने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे और इसे हम 5 मिनट तक कर पकाएंगे। और इसे हम फिर डिश आउट कर लेंगे। अगर आपको इसमें पानी डालना है तो आप डाल सकते हैं, मैं इसे भुना ही रखूँगी। देखिए मैंने पनीर को अच्छे से मिक्स कर ली। और ये हमारे पास 250 ग्राम पनीर था तो हमने इसमें आधा पनीर डाले ही है और आधा हमने बचा कर रख दिए। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम पनीर को तल कर डाल देंगे। आप भी अगर बनाएं तो ऐसे ही कीजिए। देखिए पनीर अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब हम गैस बंद कर देंगे। इसे हम डिश आउट करेंगे। और ये पनीर डालने के बाद इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये पनीर सारा चूरा हो जाता है। देखिए पनीर चिकन बनकर रेडी हो चुका है। और रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ दुआओं में, याद रखना। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक अच्छी रेसिपी के साथ। और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी।